जौनपुर में सीएम ने किया जनसभा को संबोधित, विपक्ष पर किए कई तीखे प्रहार, कहा वंशवाद करने वालों ने यूपी को बदहाल किया। आईटी विभाग की छापेमारी से भड़की यूपी की राजनीति, मामले में सपा बीजेपी आमने सामने, अखिलेश को मिला प्रियंका का साथ। पीलीभीत में गरजे वरुण गांधी, कहा महात्मा गांधी के हत्यारे की जय बोलने वालों को फांसी होनी चाहिए, अब जय हिंद बोलने का समय आ गया। यूपी में ठंड ने दी दस्तक, कई हिस्सों में शीतलहर का सितम, ठंड से 3 लोगों की मौत। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन, अपना उत्तर प्रदेश का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वाराणसी से मध्य प्रदेश तक बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग 135 का सोमवार को लोकार्पण हो गया। ये लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बता दें कि सीएम योगी और नितिन गडकरी सोमवार को मिर्जापुर के लालगंज स्थित अतरैला गांव के पास आयोजित सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 135 का उद्घाटन किया। बता दें कि 3037 करोड़ की लागत से बनाई गई यह सड़क 146 किलोमीटर लंबी है और इस सड़क के बनने से वाराणसी से मध्य प्रदेश की दूरी महज 3 घंटे में तय की जा सकेगी। आपने इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को श्रमिकों का पुष्प वर्षा करते हुए देखा है क्या? और प्रयागराज कुंभ में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन किए थे, मां गंगा में डुबकी, संगम में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद सबसे पहले गए जिन लोगों ने स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार किया था। स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए उस समय जो हमने टॉयलेट बनाया भी गडकरी जी ने हमें दिया था। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को जौनपुर के मछली शहर भी पहुंचे। यहां फौजदार इंटर कॉलेज में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा समेत पूरे विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद करने वालों ने यूपी को बदहाल कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया वे विकास नहीं करा सकते। सीएम ने कहा कि जब कोई नौकरी निकलती थी तो खानदान निकल पड़ता था वसूली पर, लेकिन हमने 5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी है। पिछली सरकारों की सोच संकुचित थी, छोटी थी, इसलिए परिवार तक सीमित थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही उनका परिवार है और डबल डोज की सरकार है तो अन्न का डबल डोज भी मिलता रहेगा। भारत के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी सड़कें हो, हाईवे का निर्माण, रेलवे का हो, वाटरवे हो, एयरपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हब हो, इन सब की अपनी बड़ी भूमिका होती है और इस बड़ी भूमिका के लिए उस प्रकार का एक बड़ा विजन चाहिए। छोटी सोच के लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। पिछली सरकारों की सोच संकुचित थी, छोटी थी, इसलिए परिवार तक सीमित थे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 100 करोड़ की आबादी ही परिवार है। यूपी के पीलीभीत जनपद पहुंचे भाजपा के फायरब्रांड नेता सांसद वरुण गांधी ने संविदा कर्मियों के साथ संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना। इसके अलावा मंच से भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि हमें उस देश में रहते हुए शर्म आती है जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारों को जिंदाबाद कह रहे हैं और नाथूराम गोडसे का समर्थन और सपोर्ट कर रहे हैं। वरुण गांधी ने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं देश का पहला सांसद हूं जिसने लखीमपुर घटना को लेकर गृह राज्य मंत्री टेनी के इस्तीफे की बात की थी।
वहीं दर्शकों, मैनपुरी पहुंचे शिवपाल यादव ने एक बार फिर राज्य की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी और इस बार चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटा देंगी। वहीं इनकम टैक्स के छापे पड़ने को लेकर बयान देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि इनकम टैक्स के छापे हम लोगों के एक होने के कारण पड़ रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार घबरा रही है, इसलिए परेशान कर रही है। वहीं जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही तमाम पार्टियों के उम्मीदवार जनसंपर्क का दौर बढ़ा चुके हैं। वहीं इस कड़ी में रविवार को सरधना विधानसभा में बसपा प्रत्याशी संजीव धामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही इस दौरान सपा और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2022 में बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। देखिए, अगर हम अपनी पार्टी के मुद्दे की बात करें तो हमें लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2007 से 12 के अपने जो बहन जी द्वारा करे गए कार्य हैं उन्हें लोगों के बीच में लेके जाना है। और जब भी हम उन्हें, जब से मैंने अपने इस चुनाव की अभियान की शुरुआत करी है, तब से यही मुद्दे हमारे बीच में रहे हैं कि भाई बहन जी ने किसानों को क्या किया, किसानों के लिए 125 रुपए उन 5 साल में बढ़ाए। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की दावेदारी प्रबल करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी गोंडा के कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां उन्होंने सभी विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। इस दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गोंडा में बैठक की, जहां पर उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करे और इसकी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने में लगी हुई है। इधर आपको मालूम है कि विगत दिनों में केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा था और उसके साथ साथ चुनाव की तिथि निकट भविष्य में शीघ्र घोषित होने वाली है, तो हर पार्टी को अपने बीएलए बनाने थे। इस संबंध में पीसीसी से निर्देश दिए गए थे कि बीएलए आप बनाएं और जो भी 18 साल या उससे अधिक उम्र है और वोटर लिस्ट में उनके नाम नहीं है तो उसको वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाएं, ऐसा निर्देश को पीसीसी से दिया गया था। गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में कई खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर न्याय मंत्री किरण रिजिजू मौजूद रहे। साथ ही गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। साथ ही सभी बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। पूर्व खेल और युवा मंत्री और अब विधि और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को अपने साथ लाए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को का उत्साहवर्धन हो। और जिस तरीके से आयोजन हो रहा है, अभी इसको थोड़ा सा और बदल कर, इसका थोड़ा रूप और स्वरूप बदल कर इसको पूरे साल आगे हम चलाएंगे ताकि लोगों को समय मिले तैयारी करने का, लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, ट्रेनिंग करने का मौका मिले और उससे अच्छे लोग निकल कर आए। वीके सिंह साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी है और पूरे उत्तर प्रदेश में सांसद खेल स्पर्धा चल रहे हैं और देश भर में भी प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था सारे सांसदों को कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए, बच्चों को और समाज में एक नए जोश आएंगे। तो गाजियाबाद आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज गाजियाबाद के जनरल वीके सिंह साहब के साथ में यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं सबसे मिलना हुआ।
वहीं हमीरपुर पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा नेताओं के घरों में छापा सरकार के इशारे पर नहीं पड़ा है, बल्कि जिनके यहां छापा पड़ा वो वांछित चल रहे होंगे या उनकी शिकायत मिली होगी। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी अपने विजय अभियान में लगातार आगे बढ़ रही है और संकल्प है कि जिस तरीके से 2014, 2017, 2019 में विजय परचम लहराया है, 2022 में भी विजय परचम लहराएगा। पहली बात तो हमने आपको कहा ना कि राजनीतिक देश भावना से कोई काम हमारी सरकार नहीं कर रही है। पूर्व से जो वांछित रहे होंगे ये छापा उन पर है, समाजवादी पार्टी जाने मानता कि हाँ इस प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। संभल के चंदौसी में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राइन के विवादित बोल सामने आए हैं। बसपा नेता शमसुद्दीन राइन ने सम्मेलन में मंच से विवादित बयान देकर बीजेपी को दंगाई पार्टी बताते हुए डरावनी, अत्याचारी, किसानों, नौजवानों का खून पीने वाली सरकार बताया है। यही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए सपा को गुंडई पार्टी बताते हुए अपराधियों की पार्टी बताया है। यूपी में ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं यूपी के बलिया में भी तापमान में गिरावट आई है। यहां का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं इस ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं जनपद में ठंड के मद्देनजर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। बता दें कि जिले में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं नजर आती है। कन्नौज में तेज ठंड पड़ी तो यहां के डीएम राकेश कुमार मिश्रा गरीबों और निराश्रितों का हाल जानने निकल पड़े। साथ ही जिले के कई स्थानों पर डीएम ने ठंड से ठिठुर रहे निराश्रितों को कंबल भी बांटे हैं। साथ ही उन्होंने रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया। बता दें कि ठंड शुरू होने से पहले ही कन्नौज डीएम ने बैठक कर ठंड से बचाव के इंतजाम करने के लिए अफसरों के साथ बैठक कर निर्देश जारी किए। वहीं 2 दिन से रात को गिरते तापमान को देखते हुए डीएम खुद ही गरीब और निराश्रित लोगों को हाल जानने के लिए निकल पड़े हैं। आज हमने शहर के मेन मेन जगहों पर से हॉस्पिटल है, हमारा रोडवेज है, रेलवे स्टेशन है, ऐसी जगहों पर ठंड को दृष्टिगत रखते जो अलाव की व्यवस्था की गई है उसको देखने के लिए, या अगर कोई ऐसे गरीब जो लोग हैं जिनको आवश्यकता कंबल, उनको कंबल वितरण करने के लिए हम लोग रात में निकले थे। और कुछ जगहों पर अलाव में हमें कमियां मिली हैं कि जिसे अलाव की और आवश्यकता है वो बढ़ाने के लिए हमने निर्देश दिया है। जो हमारे शेल्टर हाउस थे उसमें हमने देखा सब ठीक है, लेकिन थोड़ी साफ सफाई की और आवश्यकता है। तो वहीं फरुखाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। इस दौरान मौके से आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों की माने तो यह अवैध असलाहा फैक्ट्री एक विधायक का करीबी चला रहा था। वहीं मौके से पुलिस ने फैक्ट्री से एक राइफल, कई अदभने असलहे और असलहे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो फरुखाबाद का ये पूरा मामला जहां पर असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आरोपी मौके से जो फरार हुआ है वो विधायक का करीबी है। तो फरुखाबाद पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन जिसमें एक असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, मौके से अधबने और बने हथियार भी बरामद किए गए हैं। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की बात करते हैं, वहीं नोनहारा के थानाध्यक्ष विष्णु गौतम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बता रहे हैं कि थानाध्यक्ष आए दिन थाने में आए फरियादियों से अभद्र व्यवहार करते हैं। वहीं इन दिनों नोनहारा थानाध्यक्ष की दबंगई चरम सीमा पर है। बता दें कि थानाध्यक्ष ने डीही की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों को कब्जा दिला दिया। वहीं थानाध्यक्ष के इन हरकतों के बाद से यहां के लोग लगातार थानाध्यक्ष को यहां से हटाने की मांग कर रहे हैं।
पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे गांव मुल्लापुर ज़िला गाज़ीपुर में एक हमारी पुश्तैनी ज़मीन है जो कि इस वक्त हमारे कब्ज़े में थी और उस पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा उस ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, जिसमें हमने माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न गाज़ीपुर में एक मुकदमा दायर करवाया और उसमें एक स्थगन आदेश पारित हुआ, जिसमें ये आदेश हुआ कि में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना करें। हमीरपुर में जिला प्रशासन ने अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है, जहां छापेमारी में प्रशासन ने 8 प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें बरामद की हैं। साथ ही बेतुआ नदी की जलधारा मोड़ बनाया गया अवैध पुल भी तोड़वा दिया। वहीं जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनन संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो दर्शकों, कन्नौज में शराब के नशे में बस स्टेशन पर उपद्रवियों ने जमकर तांडव किया है। वहीं इस तांडव का वीडियो भी वायरल हो गया है। बता दें कि यहां नशे में धुत दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर झगड़ा होने लगा। तो तस्वीरें कन्नौज की हैं, जहां नशे में धुत होकर हंगामा किया गया। दो लोग दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद हंगामा हुआ और उपद्रवियों का यह हंगामा पूरा एक वीडियो में कैद हो गया, जो कि अब सोशल मीडिया पर नजर आने लगा है। कानपुर देहात में पारिवारिक कलह के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद आरोपी पति अपने परिवार के साथ मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया और आरोपी की छानबीन कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कानपुर देहात का यह पूरा मामला, जहां पर पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसके बाद आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का जो शव था उसको भी कब्जे में ले लिया है, साथ ही साथ आरोपी की छानबीन कर उसे गिरफ्तार किया है। तो कानपुर देहात का ये मामला, जहां पर पति पर उसकी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सवली के प्रतापपुर गाँव में आज शाम लगभग 6 बजे एक युवक ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से सिर में चोट पहुंचा करके हत्या कर दी है। डेड बॉडी को पुलिस ने मौके से मर्चरी के लिए रवाना कर दिया है। मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली गई है और नियमानुसार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यूपी के रायबरेली में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सलून पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लग गई जब अवैध हथियारों का निर्माण कर रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा गया। इस दौरान पुलिस ने बने और अधबने तमंचे भी बरामद किए। खबरों की माने तो पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली है। फिलहाल पुलिस ने मौके से एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो रायबरेली का यह पूरा मामला तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक जगह दबिश थी, जहां पर पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। अधबने और बने हथियारों को भी जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई के अंतर्गत दिनांक 19 दिसंबर 2021 को थाना सलोन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर काज की सूचना पर अभियुक्त संजू कोरी सनोप किशन कोरी निवासी डबल फाटक कोतवाली नगर रायबरेली को अवैध शस्त्र बनाते हुए भारी मात्रा में अवैध शस्त्र तथा बनाने के उपकरण सहित बंद पड़ी व्यवस्था फैक्ट्री के पास के जंगल से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध थाना तरुण पर मुकदमा अपराध संख्या 496/21 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि रायबरेली में भू माफियाओं को जिला प्रशासन का जरा भी डर नहीं है। बता दें कि यहां दबंग भू माफियाओं ने देर रात मंदिर के चबूतरे को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद वहां मौजूद ग्रामीण आक्रोशित हो गए, धरना दे दिया। वहीं धरने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और लोगों को शांत कराया। रायबरेली में एक तालाब में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह महिला अपने मायके आई थी और घर से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव पड़ा मिला है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में ले लिया है और इसके साथ पुलिस जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर थाना मंडी क्षेत्र के एक युवक को नशे का काला कारोबार करने वाले लोगों की शिकायत पुलिस को करना भारी पड़ गया। बता दें कि नशे का काला कारोबार करने वाले आरोपियों ने शिकायतकर्ता युवक के घर पर हमला कर दिया। वहीं इस हमले के बाद से शिकायतकर्ता युवक के परिजनों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। संभल में चोरों ने अपने ही साथी चोर को गोलियों से भून डाला। बताया जा रहा है कि ये सभी चोर एक घर से बैटरी चोरी कर रहे थे। वहीं इसी दौरान ग्रामीणों के पीछा करने के बाद तीनों चोर भाग गए। वहीं उनका एक साथी पीछे रह गया, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से चोरों ने अपने ही साथी को गोली मार दी। तो संभल का यह पूरा मामला है, तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर चोरों ने अपने साथी चोर को खुद ही गोली मार दी। आपको बता दें कि चोरी कर भाग रहे थे, ऐसे में सबसे पीछे जो इनका एक साथी रह गया उसको खुद ही चोरों ने गोली मार दी ताकि वो लोग पकड़े ना जा सके, पहचान ना की जा सके। थाना रजपुरा के गांव रामपुर महकम से आज सुबह पीआरवी पर यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, ग्रामीणों से पूछताछ की गई, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि सुबह के समय गांव के बाहर खड़े हुए एक ट्रैक्टर में से कुछ लोग बैटरी चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। गांव में जाग होने पर जब हल्ला मचा तो लोग वहां से भागने लगे। भागते हुए उन चोरों में से ही किसी व्यक्ति के द्वारा फायर किया गया और उन चोरों में से ही गोली लगी, जिसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई। प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था की है, साथ ही मुख्यमंत्री कोटे से आवास भी दिए जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर सटे सीतापुर में लोग वास के लिए परेशान हो रहे हैं। वहीं गांव के लोगों का आरोप है कि जिनको आवासों की जरूरत नहीं, यहां पर प्रशासन की ओर से उनको भी आवास दिए जा रहे हैं और जिनको जरूरत है वो लोग परेशान घूम रहे हैं। वहीं इसको लेकर अब यहाँ के लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और प्रशासन है कि सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन दे रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।